नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HSSC परीक्षा स्टेनो टाइपिस्ट इंग्लिश, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2015 और कैटेगरी नंबर 1 के अंतर्गत 6 नवंबर 2017 को मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग तीन शिफ्टों में आयोजित हुई। तीनों शिफ्टों में इंडिया और इंटरनेशनल GK से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से क्या जम्मू क्षेत्र का लोकप्रिय लोक संगीत है? ऑप्शन डी बाखा। 1930 में नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने रिक्त स्थान से तटीय शहर रिक्त स्थान तक की पदयात्रा की थी? ऑप्शन सी साबरमती से दांडी। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी नौसारी गुजरात तक 345 किलोमीटर की यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन किया और देश भर में यह आंदोलन शुरू हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लुप्त प्राय एशियाई शेरों का निवास है? ऑप्शन बी गीर राष्ट्रीय उद्यान, जो गुजरात में जूनागढ़ में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यह मध्य प्रदेश में बालाघाट में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यह उत्तराखंड में नैनीताल में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में जोरहाट नामक स्थान पर है। 2017-18 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2200 करोड़ रुपए की लागत से स्ट्राइव के अगले चरण को लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा। स्ट्राइव व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता और बाजार संगतता में सुधार लाने और प्रशिक्षु कार्यक्रमों के सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है। स्ट्राइव का पूरा नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी स्किल स्ट्रेंथिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट। भारतीय संविधान के भाग 111 अनुच्छेद 12 से 35 में निम्नलिखित में से किसे विस्तार से समझाया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर स्वाभाविक रूप से मिलने वाले सबसे भारी अर्थात सबसे बड़ी परमाणु संख्या वाले तत्वों का नाम बताएं। ऑप्शन बी यूरेनियम। पुरुषों की एकल श्रेणी में विंबलडन चैंपियनशिप 2017 के विजेता कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रोजर फेडरर। विंबलडन चैंपियनशिप टेनिस टूर्नामेंट का 131वां संस्करण 3 से 16 जुलाई 2017 में लंदन इंग्लैंड में आयोजित हुआ, जिसमें पुरुष एकल विजेता रहे रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड से, महिला एकल विजेता गेरबिन मुकरुजा स्पेन से, पुरुष युगल विजेता रहे लुकास कुबोट पोलैंड और मार्सेलो मेलो ब्राजील से, महिला युगल विजेता रही एक्टरीना मैकारोवा रूस और एलिना वेस्निना रूस से, मिश्रित युगल विजेता जेमी मरे इंग्लैंड और मार्टिना हिंगिस स्विट्जरलैंड से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल में एलिजाबेथ सुजन कोसी ने ग्लासगो 2014 20वें कॉमनवेल्थ खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? ऑप्शन ए निशानेबाजी। वर्ष 2017 में केजे यशुदास को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन डी पद्म विभूषण से। वर्तमान भारत सरकार ने 68वें गणतंत्र दिवस समारोह से एक दिन पहले 25 जनवरी 2017 को पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया। भारत रत्न के बाद पद्म पुरस्कार देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इसमें 89 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति राष्ट्रपति ने दी, जिसमें 7 पद्म विभूषण, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, 7 पद्म भूषण, यह तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, और 75 पद्म श्री पुरस्कार शामिल किए गए, जो देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, और 7 पद्म विभूषण दिए गए शरद पवार, जो एनसीपी प्रमुख हैं, बीसीसीआई और आईसीसी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और महाराष्ट्र से हैं, जो सभी राजनीतिक दलों में बेहतर रिश्तों के तालमेल और कृषि सेक्टर में अपनी पकड़ के लिए जाने जाते हैं। दूसरा पद्म विभूषण मुरली मनोहर जोशी को दिया गया, जो बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में हैं और आरएसएस से जुड़े रहे हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं।
तीसरा पद्म विभूषण जग्गी वासुदेव को दिया गया, जो तमिलनाडु से संबंध रखते हैं और आध्यात्मिक गुरु और विचारक हैं। उसके बाद हमने अभी बात की केजे येसुदास, जो केरल के मशहूर संगीतकार और फिल्म प्लेबैक सिंगर भी रह चुके हैं। उसके बाद प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव को दिया गया, जो कर्नाटक से स्पेस साइंटिस्ट हैं, और दो मरणोपरांत पद्म विभूषण भी दिए गए। उसमें एमपी के सीएम रह चुके सुंदरलाल पटुआ को मरणोपरांत लोक संबंध क्षेत्र में, और लोकसभा के पूर्व स्पीकर पीए संगमा, जो मेघालय से थे, उनको भी मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पारंपरिक नृत्य नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, छम। अगर मैं आपको बताना चाहूं कि अगर भारत के शास्त्रीय नृत्यों की बात करें, भारत में शास्त्रीय नृत्यों को मुख्यतः 7 भागों में बांटा गया है, जिसमें भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु राज्य से संबंध रखता है, कथकली केरल से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, ओडिसी ओडिशा से, कथक उत्तर भारत से, मणिपुरी मणिपुर से, और मोहिनीअट्टम केरल से। तो ये 7 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के मुख्यतः, और इनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, जो इवनिंग शिफ्ट से प्रश्न है, वो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक भारतीय नाटक का एक रूप नहीं है? ऑप्शन सी झांझ, चोरी चोरा कांड कब हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, फरवरी 1922 में। इसमें अब आपको बताना चाहूंगा कि भारत में असहयोग आंदोलन चलाए जाने का जो निर्णय सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लिया गया था, और महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव को स्वयं पेश किया था, और 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर स्थित चोरी चोरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया, और गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया चोरी चोरा की घटना से आहत होकर, और इस तरह असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ, और गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर असंतोष फैलाने के आरोप में 6 वर्ष की कैद की सजा भी सुनाई गई। अगला प्रश्न है, श्रीलंका को भारत से पृथक करने वाला समुद्र का संकीर्ण चैनल रिक्त स्थान और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाक जल्ड मरुमध्य। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2017-18 के अनुसार आकलन वर्ष 2018-19 के लिए 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय वाले व्यक्तिगत करदाताओं, निवासी या अनिवासी हेतु कराधान की दर रिक्त स्थान की वर्तमान दर से घटाकर रिक्त स्थान कर दी गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5% और 10%। संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम 2016 के अनुसार वस्तु और सेवा कर परिषद के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन सी केंद्रीय वित्त मंत्री, वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली हैं। 1902 में रोनाल्ड रॉस ने किस आम बीमारी के संबंध में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? ऑप्शन ए मलेरिया। निम्नलिखित लेखकों में से किसने वर्ष 2017 का मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया? ऑप्शन ए डेविड ग्रासमैन। एथलीट माइकल जॉनसन ने 26वें ओलंपिक खेलों में किस देश का प्रतिनिधित्व किया था? ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्ष 2017 के निम्नलिखित पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से कौन भारतीय नागरिक नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी महाचक्री सुरिंदर। जैसे अभी पहले डिस्कस किया था कि पद्म पुरस्कार, जो कुल पद्म पुरस्कार 89 व्यक्तियों को दिए गए थे, जिसमें से 7 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 75 पद्मश्री पुरस्कार थे। अगला
तो जो सात पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किए गए वो इस प्रकार हैं, पंडित विश्व मोहन भट्ट जो राजस्थान के मोहन वीणा वादक हैं, देवी प्रसाद द्विवेदी जो उत्तर प्रदेश के संस्कृत प्रोफेसर हैं, डॉक्टर तेहे मटन इरच जो महाराष्ट्र के रहने वाले और फादर ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इन इंडिया उनको कहा जाता है, श्री रतन सुंदर महाराज गुजरात के आध्यात्मिक गुरु और 304 किताबें लिखने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम पर है, उसके बाद बिहार के योग गुरु निरंजन नंद सरस्वती को, उसके बाद रामा स्वामी को मरणोपरांत दिया गया जो सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट रहे, और सातवां पद्म भूषण था महाचक्री श्रीधर को जिनको साहित्य शिक्षा में यह पुरस्कार दिया गया और वो थाईलैंड से थे। अगला प्रश्न है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन के दौरान बजाया जाने वाला मुख्य वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, पुंग। अगला प्रश्न जो हम डिस्कस करेंगे इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए हैं, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने मृदगम बजाने की कला में महारत हासिल की है? ऑप्शन ए पालघाट मणि अय्यर। स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन बी 1857 में। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सीमाएं नहीं लगती हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी ताजिकिस्तान, क्योंकि अगर हम भारत के नक्शों को देखें यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में म्यांमार भूटान और बांग्लादेश हैं, भूटान की सीमाएं सिक्किम अरुणाचल प्रदेश असम के साथ सटी हुई हैं, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल मेघालय त्रिपुरा असम के साथ सिक्किम के साथ भी यह सीमाएं स्पर्श करती हैं, इधर म्यांमार है जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, नागालैंड है मणिपुर है मिजोरम है अरुणाचल प्रदेश के साथ सटा हुआ है, लेकिन ताजिकिस्तान जो यहाँ पर ऊपर उत्तर में टॉप पर है उसकी सीमाएं भारत को स्पर्श नहीं करती हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2017-18 के अनुसार ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास रोजगार डिजिटल साक्षरता स्वास्थ्य और पोषण के अवसर प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसे वन स्टॉप सामूहिक सहायता सेवा मंच के रूप में स्थापित किया जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी महिला शक्ति केंद्र। संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य से किसे प्रतिस्थापित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी के सबसे ऊपरी भाग में फंसे जल और इसके रासायनिक निर्माण ब्लॉक का पहला व्यापक परिमाणात्मक मानचित्र बनाया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्राउन विश्वविद्यालय। महिला एकल श्रेणी के अंतर्गत 2017 की विंबलडन चैंपियनशिप किसने जीती थी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी गर्बिना मुगुरुज़ा जो स्पेन से हैं। अगला प्रश्न है, एलेक्सी सिरोव निम्नलिखित में से किन खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन बी शतरंज से। उसके बाद वर्ष 2017 में किस कलाकार को पद्म भूषण प्रदान किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए विश्व मोहन भट्ट को। ये अभी पहले डिस्कस किया था आपको डिटेल में बताया, जब पंडित विश्व मोहन भट्ट जो राजस्थान के मोहन वीणा वादक हैं। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य प्रदर्शन का संचालन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ऑप्शन बी नट्टूवनार। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।